Now, I don't comply with the dismissal of the batsman, Rohit Sharma. The ball was turning down the leg. Look at the direction of the ball. It was slightly down the leg, and the batsman was given LBW. इंडिया में क्रिकेट को लेकर गजब की दीवानगी है, और हो भी क्यों ना, आखिर क्रिकेट ही तो वो खेल है जिसने मुश्किल हालातों में भी लोगों को खिलखिलाने के मौके दिए हैं। यही वजह है कि लोग हजारों रुपए खर्च करके क्रिकेट मैच देखने जाते हैं। लेकिन 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 हम हमारे व्यूअर्स की जेब से अठन्नी भी खर्च नहीं होने देना चाहते, इसीलिए तो पूरा इंटरनेट टटोल कर हम आपके लिए लाए हैं क्रिकेट मोमेंट्स पार्ट वन, जिसे देखकर आप भी कह देंगे कि ये वीडियो आईपीएल का बाप है बाप, यानी फुल टू एंटरटेनमेंट, और वो भी फ्री फोकट में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दिसंबर 2012 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक टेस्ट मैच चल रहा था। 47वें ओवर में क्रिकेटर एनरिक नोकिया फील्डिंग के लिए अपनी जगह पर जा रहे थे, तभी पीछे से एक स्पाइडर कैम आकर उनसे टकरा जाता है, जिसके बाद एनरिक धड़ाम से गिर जाते हैं। उनके गिरते ही पूरा स्टेडियम ओ की आवाज में गूंज उठता है। वैसे गनीमत रही कि उन्हें ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन मैच के बाद उन्होंने ये जरूर कहा कि कैमरे खिलाड़ियों के ऊपर रहने चाहिए। वहीं मैच के होस्ट चैनल फॉक्स स्पोर्ट्स ने इस घटना के लिए माफी मांगी। नवंबर 2021, कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से भरा था, सबकी नजरें खिलाड़ियों पर टिकी थी, लेकिन तभी कैमरा टाट से गुटखा खाते एक लड़के पर फोकस होता है, जो खास कानपुरिया अंदाज में गुटके को मुंह में दबाए फोन पर बतिया रहा था। खुद को स्टेडियम की स्क्रीन पर देखकर यह भी हंसने लगा। वीडियो वायरल हुआ तो ये जनाब दूसरे दिन भी स्टेडियम पहुंच गए, ये बताने के लिए कि उस वक्त मुंह में सुपारी थी, मसाला नहीं था। वो मुझे सुपारी दे दी यार, मुझे सुपारी थी। राजू मुझे सुपारी दे, मैं खा गया क्योंकि गुटखा मेरे पास था ही नहीं। और हाँ, इस बार उसके मुंह में गुटखा नहीं बल्कि हाथों में तख्ती थी, जिसमें लिखा था कि गुटखा खाना गलत बात है भाई। ये वीडियो साल 2023 में नेपाल में खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप के क्वालिफायर का है। इस मुकाबले को देखने के लिए हजारों लोग त्रिभुवन यूनिवर्सिटी मैदान में उमड़ पड़े थे। कुछ क्रिकेट लवर्स को जगह नहीं मिली तो पेड़ों पर चढ़कर मैच का मजा लेने लगे, वहीं प्यास लगी तो नीचे से वाटर बॉटल मंगवाने का उनका ये अंदाज वायरल हो गया। पानी चाहिए, पानी पानी। ओ वेरी गुड, अब वो विकेट आउट लगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन इस खिलाड़ी से तो कोशिशें भी हार गई। जैसे तैसे ये बॉल को पकड़ भी लेता है, लेकिन अगले ही पल वो जो करता है उसे देखकर पब्लिक लोट पोट हो जाती है। वैसे किस्मत तो इस बंदे की भी कुछ ऐसी ही है, जिसने करारा शॉट भी मारा फिर भी क्लीन बोल्ड हो गया। अब जब करारे शॉट्स की बात चल रही है तो बकरी चराने वाली इस लड़की को कैसे भूला जा सकता है। राजस्थान के बाड़मेर की मूमल का ये वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली मूमल ऐसे ऐसे शॉट्स लगाती है कि मंत्रियों से लेकर प्लेयर्स तक सबको चौंका देती है। वैसे चौंकाने के लिए इस लिटिल तेंदुलकर का वीडियो भी कम नहीं है, जो डायपर पहनकर दना दन शॉट खेलता दिख रहा है। इस बच्चे का स्टाइल और फुटवर्क इतना जबरदस्त है कि आप इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ये वीडियो घर के अंदर का ही है, लेकिन इसमें ये बच्चा बेहतरीन शॉट खेलता दिख रहा है। इस वीडियो में गली क्रिकेट खेल रहा ये बॉलर पहले तो खुद नाचने लगता है, फिर नॉन स्ट्राइकर पर खड़े बैट्समैन को भी नाचने को कहता है, फिर जब बल्लेबाज नाचते हुए क्रीज के बाहर आ जाता है तो बॉलर उसे रन आउट कर देता है। क्रिकेट की भाषा में इसे मार्केटिंग रूल कहते हैं। इस मार्केटिंग रूल की मदद से जब यह बॉलर नॉन स्ट्राइकर एंड के इस खिलाड़ी को आउट कर देता है तो वो बुरी तरह से बौखला जाता है और गुस्से में अंपायर के सामने ही बैट को बुरी तरह से पटक पटक कर तोड़ देता है। ओहो, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है दोस्त,
तुम्हें रन आउट से बचने के तरीके खोजने चाहिए। इस बंदे को देखो जिसने रन आउट से बचने का कमाल का तरीका इजाद किया है। भागना भी नहीं पड़ा और रन भी पूरे। अफसोस कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस अनोखे बैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो रन आउट शब्द क्रिकेट से हमेशा के लिए मिट जाता। अपने चहेते क्रिकेटर को सामने से देखने का अलग ही आनंद है। ये वीडियो इसी बात की तस्दीक करता है। यहाँ माही को वर्कआउट करते देखकर खिड़की के बाहर खड़े उनके फैंस खुशी के मारे धोनी धोनी चिल्लाने लगते हैं। वैसे माही का क्रेज है ही ऐसा। जब इंडिया की टीम बैटिंग कर रही हो और जीतने के लिए बस कुछ ही रन चाहिए हो तो भारतीय गांवों में अक्सर ऐसा होता है, ये बाबा जी मैच देखते हुए कितने मन से शिवजी से टीम इंडिया को जिताने की अरदास लगा रहे हैं। बाबा जी की इस प्रेयर के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्त। दोस्तों इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1000 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। अब तक आपने प्रोफेशनल कमेंटेटर्स को ही क्रिकेट के कमेंट्री करते सुना होगा, लेकिन बनियान पहने इस आदमी के कमेंट्री ने पूरे इंटरनेट में सनसनी फैला रखी है। कमेंट्री के लिए इंग्लिश और हिंदी भाषा का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन क्या आपने कभी संस्कृत में कमेंट्री सुनी है? अगर नहीं तो आज सुन लीजिए। सर्वे प्रेक्षकाः अपि संस्कृत प्रेक्षकाः एव किम किम प्रेक्षकाः बहु संकोचम अनुभवतः सन्ति किम किम इति वहाँ नाम विद्वत्सेना इति वदन्ति अस्ति। क्यों है ना इंटरेस्टिंग, बहु दूरतः आगतवती इति मन्ये। बच्चे की अनोखी कमेंट्री सुनने के बाद बालकनी पर खड़ी लड़कियां भी हंस पड़ती है। गली क्रिकेट की क्रिएटिविटी का ये वीडियो आपका दिल जीत लेगा, जिसमें बॉल बने इस बच्चे को धक्का देकर आगे किया जाता है, फिर थर्ड अंपायर से पूछने पर शॉट रिप्ले होने लगता है, जिसमें LBW होने के पूरे प्रोसेस को दिखाया जाता है। क्यों है ना क्रिएटिव? डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS इस्तेमाल करने का ये सीन देखकर आपकी भी हंसी छूट गई होगी। इस वायरल वीडियो की क्रिएटिविटी भी काबिले तारीफ है, जिसमें बॉल बना ये बच्चा दौड़कर बैट पर उछलता है और फील्डर की गोद में जाके बैठता है, जिसके बाद बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है, यानी ये बैट्समैन बिना बॉल के ही कैच आउट हो जाता है। गजब है भाई। वाइड बॉल फेंकने पर इस अंपायर ने कुछ ऐसा किया कि सबकी हंसी छूट गई। वो पहले तो सिर के बल खड़ा हो गया, फिर दोनों पांवों से वाइड का सिग्नल दिया। ये क्या कर दिया, ये वाइड का स्टाइल देखिए। अरे भाई इस अंपायर को बोलो पांवों से ज्यादा वाइड नहीं दे, नहीं तो। धोती कुर्ता पहने इस ताऊ का ऐसा जोश अपने आप में एक सवाल है। कुछ लोग मजे लेते हुए कह रहे हैं कि ये बूस्टर डोज का कमाल है। पाकिस्तान में गली क्रिकेट का ये बल्लेबाज इतनी जल्दी में था कि बॉल आने से पहले ही दौड़ पड़ा। चच्चा का ये शॉट देखकर वहां बैठी अपनी टप्पू सेना भी हंस पड़ी। साल 2023 में अहमदाबाद के बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा मैच, जिसमें छक्का लगने के बाद जब गेंद खो गई तो एक दर्शक ने बॉल ढूंढ कर दी। बॉल मिलने की इस खुशी से हर गली क्रिकेटर खुद को रिलेट करेगा। भारत में क्रिकेट एक खुमारी है, जगह छोटी हुई तो क्या क्रिकेट खेलना थोड़े ही छोड़ देंगे। वहां बॉलिंग के लिए जगह छोटी थी, लेकिन यहाँ तो फुटबॉल ही छोटी लग रही है। खली ने इस बॉल को बैट से टच ही किया था कि वो आसमान में उछलकर पड़ोस के कंपाउंड में पहुंच गई। खली ध्यान से, कहीं आसमान में छेद ना हो जाए। क्रिकेट का क्रेज तो देखो, ये दूल्हा मंडप में ही क्रिकेट खेलने लगा। दूल्हे के दोस्त सामने खड़े थे, मस्ती करते हुए उन्होंने फूल को दूल्हे की तरफ फेंका, जिसके बाद दूल्हे ने ये शॉट लगा दिया।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।